हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जानकारी पूरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी सन 2020 में आवास योजना के लिए अपने गांव के प्रधान को या फिर किसी और के माध्यम से फॉर्म दिए थे तो आप लोगों का 2021 की लिस्ट में नाम आ चुका होगा। आप लोगों को किस प्रकार से 2021 के प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोगों का भी इस लिस्ट में नाम होता है तो आप लोगों को भी सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आप लोग इस लिस्ट में अपना नाम ज़रूर देखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा नाम लिस्ट में होता है बट दोस्तों हमें पता ही नहीं चल पाता है, तो हम लोगों को आवास योजना के तहत फ्री में आवास नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को और भी ऐसी ही सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र या फिर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं PMAYG.NIC.IN। इतना आप लोग टाइप करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सर्च कर देना है। देन जैसे ही आप लोग यहां पर सर्च करेंगे तो आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हो, आप लोगों को इसे यहां से कट कर देना है। उसके बाद ये वेबसाइट आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखेगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें दोस्तों सबसे ऊपर ही आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अवेयर सॉफ्ट, आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत भी आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेटा एंट्री, रिपोर्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने एक नया पेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप लोग यहाँ पर कुछ नीचे आएंगे तो आप लोगों को सबसे नीचे की ओर आना है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, आप लोगों को यहीं पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहां से अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग किसी भी राज्य में रहते हो, सभी राज्यों का आप लोग आवास योजना लिस्ट में नाम देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेता हूं। राज्य का नाम सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ से अपने ज़िला का नाम सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप लोगों के राज्य के अंतर्गत जितने भी ज़िला होंगे वो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ से अपनी तहसील या फिर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेनी है, और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहां से अपना विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों विकास खंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जब यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की विकास खंड के अंतर्गत जितने भी गांव होंगे वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अपना गाँव सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों गाँव सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग कौन सी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं। तो जैसे कि हमें 2020 और 2021 की सूची में नाम देखना है तो हम लोगों को यहाँ पर 2020 और 2021 वाले ऑप्शन पर यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप लोगों को सबसे ऊपर ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 38+30। तो आप लोगों को 38+30 जोड़ करके यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों की ग्राम पंचायत की पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो जिनके भी नाम से आवास आया है आप लोगों को उसका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही उसके पिता या फिर पति का नाम भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्कीम का नाम, उसके बाद यहाँ पर प्योरिटी और कैटेगरी, BPL फैमिली, और उसके बाद यहाँ दोस्तों आप लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स भी देख सकते हो। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यहाँ पर पूरी लिस्ट अपने गांव की देख सकते हो,
और इसी के साथ आप लोग अगर इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग यहां से इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने गांव की पूरी सूची को देख सकते हो कि आप लोगों को लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। बट दोस्तों अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं तुरंत देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।